नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 1 से लेकर 15 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रह स्थितियों के माध्यम से आपके जीवन में किस प्रकार की संभावना बनने वाली है, किन किन क्षेत्रों में कन्या राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलना है, यह जानकारी कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाई गई है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों के बारे में आपको सटीक जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कन्या राशि का कर्म क्षेत्र, व्यापारिक जीवन, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। कन्या राशि वाले जातकों, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको दो विशेष सलाह की जानकारी भी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो समय आपके लिए काफी अनुकूल जाने वाला है। सबसे पहले तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि कन्या राशि के ऊपर ग्रह स्थिति इस समयावधि में किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों, लगन में ही केतु विराजित हैं और आपके सप्तम भाव पर राहु विराजित हैं। राहु महाराज मंगल के साथ मौजूद हैं और इसकी वजह से अंगारक योग आपके सप्तम भाव पर बनने वाला है। इन 15 दिनों की समयावधि में शनि महाराज आपके सिक्स हाउस यानी छठवें भाव पर गोचर करने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति, ये बहुत ही बेहतर परिवर्तन आपके लिए होने वाला है। 12 वर्षों के बाद जो गुरु हैं वो आपके भाग्य भाव पर जाने वाले हैं। गुरु भाग्य के ही कारक माने जाते हैं और भाग्य भाव पर ही रहेंगे। कन्या राशि वाले जातकों के लिए गुरु बृहस्पति 1 मई 2024 को दो केंद्रों के स्वामी होकर, यानी आपके फोर्थ हाउस और आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर नवम भाव पर जाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाने वाले हैं। साथ में कन्या राशि वाले जातकों, सूर्य देव, बुध देव और शुक्र देव, ये तीन प्लैनेट आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं और इन 15 दिनों में सूर्य देव जो हैं वो अपनी उच्च राशि में यानी मेष में रहेंगे, तो आपके अष्टम भाव पर अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों कर्म भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं, जो आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं और इस समयावधि में गुरु आपके भाग्य भाव पर विराजित रहेंगे और शनि भी आपके लिए बहुत ही अनुकूल हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, पूर्व समयावधि से यदि आपके जीवन में कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई किसी प्रकार की परेशानी चल रही है वो समाप्त होने वाली है। वर्तमान में यदि आप मार्केटिंग, चिकित्सा, खेलकूद, धातु से जुड़ा हुआ काम करते हैं या टीचिंग लाइन, वकालत, मीडिया सेक्टर, पत्रकारिता, कोरियर सर्विस या किसी प्रकार के क्रिएटिव क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए जातकों के लिए सफलता की विशेष संभावना बनने वाली है। आपकी जो राशि बन रही है उसमें शनि महाराज बहुत ही अनुकूल हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपकी कर्मठता बढ़ने वाली है और शनि के सिक्स हाउस पर रहने से कन्या राशि वाले जातकों को, ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं उसके लिए भी समय शुभ रहने वाला है।
कन्या राशि वाले जातकों, वर्क प्लेस पर यदि आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सभी समस्याएं आपके जीवन से दूर होने जा रही है। धन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों, जो आपके धन भाव की अवस्था है उसके जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र माने जाते हैं और शुक्रदेव बहुत ही अच्छी अवस्था में विराजित हैं, अष्टम भाव पर विराजित हैं और जिनकी सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर जाने वाली है। और इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों जो देव गुरु हैं उनका संबंध भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में यदि आपको आर्थिक चुनौतियां लगातार मिल रही है, निजात होने वाली है, रुका हुआ या गड़ा हुआ धन प्राप्त होने का योग बनेगा। साथ में कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापारिक स्रोतों से धन लाभ की संभावना भी बनने वाली है। और चूंकि गुरु अष्टम भाव पर थे तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत सारे जातकों के लिए कर्ज की संभावना भी गुरु बनाए, यानी आपको कर्जों का सामना भी करना पड़ा। तो यहां पर कन्या राशि वाले जातकों अपने जीवन में कर्ज मुक्ति की ओर भी आप बढ़ने में समर्थ रहेंगे और आपको निजात भी मिलने वाली है। पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, द्वितीय भाव के स्वामी शुक्र माने जाते हैं, जो आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं और सूर्य के अत्यधिक नजदीक जाने की वजह से ये अस्त हो चुके हैं 15 तारीख तक। तो 1 से लेकर 15 मई के बीच में पारिवारिक जीवन में भाग दौड़ बनने की स्थिति ज्यादा बनने वाली है। शुक्रदेव जो कि आपके द्वितीय भाव के स्वामी होकर अस्त अवस्था में विराजित हैं, तो इस समयावधि में आप अपने जीवन में पारिवारिक गतिविधियों में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का नोक झोंक निर्मित करने से बचें। लगन में केतु विराजित हैं दर्शकों, और आपके जो वाणी भाव पर मंगल की दृष्टियां पड़ने वाली है, चूंकि मंगल आपके सप्तम भाव पर विराजित हैं, मंगल को क्रूर ग्रह माना जाता है, तो मंगल की जो दृष्टि है वो आपके वाणी भाव पर जाने वाली है। तो यहां पर कन्या राशि वाले जातकों को यही ध्यान रखकर चलना है कि आप अपने वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग जीवन में ना करें, ये समय आपके लिए शुभकारी रहने वाला है। साथ में कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में एजुकेशन सेक्टर के मामले में जानकारी दिया जाए, कन्या राशि वाले जातकों ज्ञान और शिक्षा के कारक गुरु माने जाते हैं और गुरु का संबंध आपके राशि के नवम भाव पर बनने वाला है, नवम भाव से बनने वाला है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो कुंडली का नवा भाव है उससे हायर एजुकेशन का विचार किया जाता है, उच्च शिक्षा का विचार करते हैं। तो वर्तमान में जो आपके पंचमेश शनि हैं उनकी अवस्था भी बहुत ही बेहतर है और आपके नवम भाव पर गुरु की अवस्था बहुत ही शानदार है। तो किसी भी क्षेत्र में यह ऐसा जाता है जो पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में यदि आपका जुड़ाव है तो यह समय आपके लिए शुभकारी परिणाम देने जा रहा है। विद्यार्थियों के मन में प्रसन्नता बढ़ने वाली है। परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आपका जुड़ाव है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। और कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह समय शिक्षा के लिए बहुत ही खास है और इस समयावधि में यदि आप प्रयास करते हैं तो आसानी से इंटरव्यू वगैरह भी क्वालिफाई कर सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, कन्या राशि वाले जातकों पंचमेश शनि आपके सिक्स हाउस पर शुभ अवस्था में विराजित हैं, तो रिश्तों के मामले में कन्या राशि वाले जातकों के लिए शुभता मिलने वाली है। गुरु का संबंध आपके पंचम भाव से बनने वाला है, तो जो जातक वर्तमान में इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातक प्रेम प्रसंग में जुड़कर चल रहे हैं, तो इस समयावधि में यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो भी स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। वहीं अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, कन्या राशि वाले जातकों जो आपका वैवाहिक भाव है उस पर राहु और मंगल का अंगारक योग इस समयावधि में बनने वाला है।
तो कन्या राशि वाले जातकों, इस समयावधि में आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना है, छोटी मोटी बातों को लेकर आप अपने पार्टनर के प्रति हावी होने से बचें। और इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है, तो समय आपके लिए शुभकारी रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आपके लिए सेहत के मामले में जानकारी दिया जाए, राशि के स्वामी बुध जो हैं वो आपके अष्टम भाव पर विराजित हैं। सेहत के प्रति लापरवाही बरतने से आपको लापरवाही करने से बचना चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों को वर्तमान में खान पान की आदत का भी विशेष ध्यान रखकर चलना होगा। तला भुना भोज पदार्थ खाने से आपको बचना है। चाय, शक्कर, वसा युक्त भोज पदार्थों से भी आपको बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय काफी शुभकारी रहने वाला है। कन्या राशि वाले जातकों, इस समयावधि में अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, तो कन्या राशि वाले जातकों को धार्मिक उपाय बताने से पहले कुछ विशेष सलाह की जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले कन्या राशि वाले जातकों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाकर चलना है। देखिए, भावना के वशीभूत जब आप होते हैं तो आप अपने जीवन में, आप अपने कार्य में इसका काफी प्रभाव आपके पड़ता है। चूंकि जो कन्या राशि है काफी भावनात्मक राशि है, इसलिए किसी भी व्यक्ति के कहे गए छोटी मोटी बातें भी आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव डालती है। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों को अपने मन में आत्मविश्वास बनाकर ही चलना चाहिए, तो समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। किसी चीज को पाने की जिद बनाएं और हमेशा टीचेबल रहें, यानी सीखते रहने का प्रयास करें। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों, सही डायरेक्शन में ही यदि आप काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। गलत डायरेक्शन में यदि आप काम करेंगे तो आपको उतार चढ़ाव मिलेगा, इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलना है। अगर आपको उपाय की जानकारी दिया जाए, तो कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में, चूंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, बुध का बीज मंत्र ओम राम ब्रेम ब्रोम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करना काफी शुभ रहने वाला है। साथ में कन्या राशि वाले जातकों, इस समयावधि में चूंकि राहु और मंगल का अंगारक योग भी बना हुआ है, घर में यदि आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का आयोजन करवाते हैं तो आपको शुभता मिलेगी, या आप घर में यदि आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में शुभ बनने वाली है। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें, यथा उचित दाने चारे का प्रबंध भी आपको करते रहना चाहिए।